और यह आरोप महोदय झूठा है, चाहे चौहद्दी में भी नाम नहीं है। प्रोसीडिंग से ये गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगे महोदय, क्योंकि मैं पहले भी कहा था किसी विधायक की विधायिका को बिना जांचे परखे आरोप लगाना ये गलत है महोदय। छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए, कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो, मेरा प्रस्ताव है कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 में 4-4 लाख मुआवजा गोपालगंज में मिला था, और अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जांच का निर्देश दिया गया, प्रति सदन पटल पर रखा जाए। और यह आरोप महोदय झूठा है, FIR में कहे चौहद्दी में भी नाम नहीं है। और महोदय जो पकड़ाया है वो देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगा करके किनके किनके कार्यकर्ता है ये सारा। महोदय या तो प्रोसीडिंग से ये गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगे महोदय, क्योंकि मैं पहले भी कहा था किसी विधायक की विधायिका को बिना जांचे परखे आरोप लगाना ये गलत है महोदय, और इसको प्रोसीडिंग से। अच्छा, आपको एक बधाई भी देना है महोदय, आपको बधाई देना है कि पहली बार आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में 50 मिनट के हमारे बोलने के क्रम में 113 बार आपका टोका टिप्पणियां और मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया महोदय, इसके लिए बधाई है। लेकिन प्रोसीडिंग से इसको हटाया जाए, ऐसे शब्द कहीं न कहीं सदन की गरिमा को और आसन की गरिमा को नहीं बढ़ाता है महोदय। इससे आसन की गरिमा आने वाले भावी पीढ़ी कहीं न कहीं लज्जित होंगे महोदय। नेता प्रतिपक्ष आपके आपके द्वारा जो कहा, हर मिनट में दो दो बार टोका गया महोदय। सुनिए, आसन सुन लिया, मैं अब चाहूंगा कि इस पर तो जांच हो महोदय। अब प्रश्न, अब ये सभा पटल पर रखे जांच, प्रश्न जांच का संसदीय कार्य मंत्री बोले हैं, सभा पटल पर रखे जांच का आरोप। अब उचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार नहीं है, श्रीमती शालिनी मिश्रा,